अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल पाकीज़ा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद स्पेशल रसमलाई। बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली डिश है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए होगा 2 कप पाउडर्ड मिल्क। यहाँ पर मैं नीटो का यूज़ कर रही हूँ। 1.5 कप चीनी ली है मैंने। घी 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है। इलायची का पाउडर, आप चाहें तो साबुत इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैदा, यहाँ पे मेरे पास है पिस्ता और बादाम, इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। 2 अंडे मैं यूज़ करूँगी इसमें और खोया है मेरे पास। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। दूध को पहले से ही मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसको मैं पकाऊंगी, जब इसको एक बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। मैंने इसको थिक करना है, तो जब इसको एक बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। इसको बॉईल आ गया, अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। चीनी डालने के बाद मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पका लूँगी ताकि चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसमें और ये थोड़ा थिक भी हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर में आपने चम्मच हिलाते रहना इसमें। जब तक दूध को बॉईल आता है, हम लोग बॉल्स के मिक्सचर को रेडी कर लेते हैं। इसमें बॉल में सबसे पहले मैंने डाले हैं 2 कप पाउडर्ड मिल्क। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैदा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून घी। मैं इसमें मेल्टेड घी यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 अंडों को अच्छे से फेंट लिए। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें वो डालूंगी। आपने एग्जैक्ट क्वांटिटी रखनी है। इस तरह से सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने और इसकी एक डो बना लेनी है। इस तरह से सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए गूंदना है। नॉर्मली जैसे आप डो को गूंदते हैं, आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेना है इसको। इस तरह से आपने डो बना लेनी है। अगर आपकी डो ज़्यादा हार्ड हो जाए तो आप इसमें मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। 1 to 2 टेबलस्पून आप मिल्क यूज़ कर लें। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसकी बॉल्स बना लूंगी। दूध को मैंने 10 से 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा था। ये देखें, अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये थिक भी हो गया पहले से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी खोया। खोया डालने के बाद आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक रखना है जब तक खोया इसमें मेल्ट नहीं हो जाता। जब तक खोया मेल्ट होता है हम बॉल्स बना लेते हैं। डो को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था, अब ये प्रॉपर सेट हो गई है। अब मैं इसकी बॉल्स बना लूंगी। आप अपनी मर्जी की जो भी शेप देना चाहें इसको दे सकते हैं। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से रोल करना है ताकि इसमें थोड़े से भी क्रैक्स ना बने। इस तरह से बॉल बना के मैं इसको लाइट सप्रेस करूंगी और इसको इस तरह की शेप दूंगी।
और इसी तरह से मैं सबको इसी तरह की शेप दे दूंगी। आपने बॉल्स या आप जो भी शेप दे रहे हैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, क्योंकि इनमें बेकिंग पाउडर डाला है हमने तो ये दूध में जाके फूल जाएंगी। इस तरह से मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। अब मैं इनको एक साथ दूध में डालूंगी। आपने बॉल्स बनाते ही फौरन से दूध में डाल देना है, इसको आपने रखना नहीं है बनाने के बाद। ये देखें खोया भी प्रॉपर मेल्ट हो गया इसमें। अब मैं इसमें एक एक करके सारी बॉल्स डालूंगी। बॉल्स डालने के बाद आपने चम्मच को बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाना है। इस तरह से आपने इसको साइड से फोल्ड करना है। आप चम्मच को ज्यादा तेज हिलाएंगे तो इससे बॉल्स भी टूट सकती हैं, तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इस तरह से इनको फोल्ड करना है। बस एक और ऑप्शन भी है, आप चम्मच से बॉल्स को इस तरह से लाइट सा प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। बॉल्स डालने के बाद आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। रसमलाई बिल्कुल रेडी है, ये देखें 5 मिनट मैंने इनको रखा था लो टू मीडियम फ्लेम पे। जितने साइज की मैंने बॉल बनाई थी ये उससे डबल हो गई है दूध में। फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूंगी, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार रसमलाई बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक भी देते रहा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल पाकीज़ा किचन को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।